हेडिंग डालेंगे, टॉपिक है बीटा मैनेजमेंट। बीटा मैनेजमेंट ओब्लिक स्ट्रेटजी टू अचीव, स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर्ड बीटा, डिजायर्ड बीटा। स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर्ड बीटा। बीटा इज मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। एंड एवरी इन्वेस्टर हैविंग इट्स रिस्क प्रेफरेंस। देखिएगा, बीटा जो होता है वो सिस्टमेटिक रिस्क का मेजरमेंट है, और हर इन्वेस्टर की अपनी खुद की रिस्क प्रेफरेंसेस होती हैं। एन इन्वेस्टर हु वॉन्ट्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हिज ऑब्लिक हर पोर्टफोलियो। एन इन्वेस्टर हु वॉन्ट्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हिज और हर पोर्टफोलियो टू अचीव हायर रिटर्न, हायर रिटर्न डिसाइड टू मेंटेन हाई बीटा। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक इन्वेस्टर जो अपनी रिस्क को इंक्रीज करना चाहता है ताकि वो क्या कर ले, हायर रिटर्न अचीव कर ले। देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रिस्क एंड रिटर्न के बीच में। अगर आप हाई रिस्क उठाने की ट्राई करते हो तो नो डाउट हाई रिस्क पर आपकी रिटर्न की संभावनाएं भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एन इन्वेस्टर हु वॉन्ट्स टू डिक्रीज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो
डिसाइड टू मेंटेन लो बीटा और अगर एक इन्वेस्टर अपनी रिस्क को कम करना चाहता है तो वो ये चाहेगा कि मेरा जो बीटा है वो क्या हो जाए, लो हो जाए। आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिजायर्ड बीटा इज नोन एज बीटा मैनेजमेंट, इज नोन एज मैनेजमेंट। बीटा मैनेजमेंट का मतलब है एक ऐसी एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी को बनाना ताकि आप अपने डिजायर्ड बीटा को मेंटेन कर पाओ, या मैं ये बोलूं कि आप अपने टारगेट बीटा को क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बीटा मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर है? वापस से इन बात को समझना। देखिएगा, एक इन्वेस्टर अगर अपनी रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ काम करता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, बट अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना ताकि वो अपने जो रिस्क प्रेफरेंस है, यानी या तो हाई रिस्क प्रेफरेंस या लो रिस्क प्रेफरेंस, अगर वो कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है जिससे कि वो अपने डिजायर्ड बीटा को क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए, तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बीटा मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। यहां आइएगा, लिखेंगे Following are the methods to achieve desired beta। कुछ मेथड्स हैं उस डिजायर्ड बीटा को अचीव करने के। मेथड वन, बीटा मैनेजमेंट थ्रू स्टॉक ट्रेडिंग, थ्रू स्टॉक ट्रेडिंग। आइएगा, देखिएगा, पहली बात जो हम कर रहे हैं वो क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग के द्वारा बीटा मैनेजमेंट। स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब होता है शिफ्टिंग From one stock to another stock, for
ओब्टेनिंग डिजायर्ड बीटा। ये लीजिएगा, बीटा मैनेजमेंट थ्रू स्टॉक ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप शिफ्ट करोगे एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में अपना अमाउंट, और इस तरह से वो शिफ्टिंग होगी कि आप क्या कर पाओगे, अपने डिजायर्ड बीटा को ओब्टेन कर पाओगे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अप्लाइड। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अप्लाइड। लिखिएगा, स्टेप वन, कैलकुलेट करंट पोर्टफोलियो बीटा। कैलकुलेट करंट पोर्टफोलियो बीटा इन यूजुअल मैनर। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस समय आपका जो करंट पोर्टफोलियो है, आप उस करंट पोर्टफोलियो का बीटा निकालोगे। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो पोर्टफोलियो होल्ड कर रखा है, हम उस पोर्टफोलियो का करंट बीटा कैलकुलेट करेंगे। आइएगा, लिखें स्टेप टू, स्टेप टू नाउ अज्यूम दैट अमाउंट एक्स विल बी शिफ्टेड, अमाउंट एक्स विल बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टॉक टू अनदर। अब जो अमाउंट को शिफ्ट करना है, आप उस अमाउंट को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। फॉर अचीविंग योर टारगेट बीटा या डिजायर्ड बीटा, हमें स्टॉक शिफ्टिंग करनी है, तो जितना अमाउंट शिफ्ट करना है, हम उसे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। स्टेप थ्री, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स टू सेटिस्फाई एन इक्वेशन, टू सेटिस्फाई एन इक्वेशन रिगार्डिंग न्यू पोर्टफोलियो बीटा। न्यू पोर्टफोलियो बीटा, अब हम एक इक्वेशन बना देंगे नए पोर्टफोलियो बीटा की, और न्यू पोर्टफोलियो बीटा मतलब हमारा जो डिजायर्ड बीटा है वो हमें ऑलरेडी पता है। न्यू पोर्टफोलियो मतलब
डिजायर्ड बीटा, ठीक है, और उस डिजायर्ड बीटा की इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू को कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लगाएंगे और पोर्टफोलियो का फॉर्मूला, पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला लगाते हुए अल्टीमेटली उस अमाउंट की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जिस पोर्टफोलियो से हम अपना टारगेट बीटा अचीव कर पाए। बताइए क्लियर है ये पॉइंट? अभी प्रैक्टिकली हम इसको लेंगे। सबसे पहले करंट पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे, शिफ्टिंग वाले अमाउंट को एक्स मानेंगे और नए पोर्टफोलियो बीटा की इक्वेशन बनाकर हम क्या निकाल लेंगे, हम अपना ये निकाल लेंगे कि भैया हमारा एक्स अमाउंट कितना होगा, कि इतने अमाउंट को शिफ्ट करने पर हम अपने डिजायर्ड बीटा को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। एग्जाम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है स्टॉक की मार्केट वैल्यू और बीटा, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी और स्टॉक डी, चार स्टॉक दिए हुए हैं, मार्केट वैल्यू 200 लैक्स, 100 लैक्स, 150 लैक्स और 200 लैक्स। आपको बीटा वैल्यू दी हुई है 2.50, 1.50, 1.80 और 0.80। ये आपको एक पर्सन का क्या दिया हुआ है, पोर्टफोलियो दिया हुआ है। नाउ देखिएगा क्वेश्चन क्या मांगा है, कैलकुलेट ए पॉइंट करंट पोर्टफोलियो बीटा, करंट पोर्टफोलियो बीटा और बी पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू रिड्यूस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 1.20 फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस ही हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट सम अमाउंट टू शिफ्ट सम अमाउंट फ्रॉम स्टॉक ए, फ्रॉम स्टॉक ए टू
स्टॉक डी, कैलकुलेट सच अमाउंट, कैलकुलेट ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, एक पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है, उसने बोला है सबसे पहले तो आप इस पोर्टफोलियो का बीटा निकालिए, फिर दूसरा अगर आप अपने बीटा को रिड्यूस करके 1.2 लाना चाहते हो थ्रू द स्टॉक ट्रेडिंग, तो ये बताइए कि कितना अमाउंट ए सिक्योरिटी से शिफ्ट करके आपको कहां लाना पड़ेगा, डी सिक्योरिटी में लाना है, ताकि आप अपना जो डिजायर्ड पोर्टफोलियो बीटा है 1.2 वो अचीव कर पाओ। तो ये एग्जाम्पल अब हमें सॉल्व करना है। लिख लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ए पॉइंट, करंट पोर्टफोलियो बीटा, स्टॉक मार्केट वैल्यू जिसको हम डब्ल्यू मानेंगे, बीटा देन डब्ल्यू इंटू बीटा, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी और स्टॉक डी। मार्केट वैल्यू है 200, 100, 150 और 200। बीटा वैल्यू आपको दे रखी है 2.50, 1.50, 1.80 और 0.80, 200 इंटू 2.5, तो ये आ गया आपके पास 500, 150 इंटू 1.8, तो ये आ जाएगा आपके पास 270 और 160, इसका टोटल और इसका टोटल, ये तो आ गया 650। इधर लीजिए 500 प्लस 150 प्लस 270 प्लस 160, दैट इज 1080। ठीक है, नाउ अब आप बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते हो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, दैट इज 1080 डिवाइडेड बाय 650 निकाल लीजिए। 1080 डिवाइडेड बाय 650, 1.66, ये मेरे पास मेरा करंट पोर्टफोलियो बीटा आ गया 1.66। बोलिए क्लियर है बिल्कुल यहां तक? ये हमारा ए पार्ट हो गया कि हमने क्या निकाल लिया, करंट पोर्टफोलियो बीटा। आइएगा बी पॉइंट, लेट अमाउंट शिफ्टेड फ्रॉम स्टॉक ए टू स्टॉक डी इज इक्वल टू एक्स, यानी स्टॉक ए से स्टॉक डी में
हम जो अमाउंट शिफ्ट करेंगे वो एक्स है। हेंस न्यू पोर्टफोलियो न्यू पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट वैल्यू और बीटा। ए का अभी अमाउंट था 200, इसमें से माइनस एक्स हो जाएगा और इसका बीटा 2.5 है। बी में 100 लाख था वही रहेगा, ठीक है, और इसका बीटा आपका 1.5 है। सी में भी कोई चेंज नहीं है, वही 150 और 1.80, और डी में रहेगा अब आपका 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, और इसका बीटा आपको दे रखा है 0.80। मार्केट वैल्यू इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, तो लीजिए डब्ल्यू इंटू बीटा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 500 × 2.5, 500 − 2.5x, यहाँ 150, यहाँ 270, 160 + 0.80x इसका टोटल, और इसका ये तो 650 रहेगा, इसका टोटल निकालिए, 500 + 150 + 270 + 160, 1080 माइनस 1.70x, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, ये 1.2 गिवन है, 1080 − 1.7, 650, 1.2 × 650, 780 इज इक्वल टू 1080 − 1.70x, तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू 1.70x, तो x की वैल्यू आ गई 300 डिवाइडेड बाय 1.7, दैट इज 176.471 लैक्स। यानी अगर हम इतना अमाउंट ए स्टॉक से डी स्टॉक में शिफ्ट करते हैं तो हम वी आर एबल टू मेंटेन अवर डिजायर्ड बीटा एज 1.2, हम अपना डिजायर्ड बीटा क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। एग्जाम्पल, कंसीडर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, कंसीडर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, स्टॉक मार्केट वैल्यू और बीटा। स्टॉक आपको दे रखे हैं ए से लेकर और ई तक, मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है 100 लाख, फिर बी की 300 लाख, 150 लाख, 200 लाख और 80 लाख बीटा।
1.80 टू 1.30, 1.75.80। ठीक है, ये आपको एक पोर्टफोलियो दिया हुआ है ए से लेकर ई तक का, ये उनकी मार्केट वैल्यू है और बीटा है। कैलकुलेट ए करंट पोर्टफोलियो बीटा। सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा करंट पोर्टफोलियो बीटा, देन बी पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू इंक्रीज इंक्रीज बीट ऑफ पोर्टफोलियो वॉन्ट्स टू इंक्रीज बीट ऑफ पोर्टफोलियो टू 1.70। फॉर दिस पर्पस ही हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट ही हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट सम अमाउंट फ्रॉम सम अमाउंट फ्रॉम स्टॉक डी टू स्टॉक बी। ठीक है, आप कुछ अमाउंट को स्टॉक डी से हटाकर स्टॉक बी में क्या कर दोगे, इन्वेस्ट करोगे। कैलकुलेट सच अमाउंट, कैलकुलेट ये आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया। वापस से पांच स्टॉक आपको दे रखे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू और बीटा दे रखा है और दो क्वेश्चन आपसे मांगे हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि आपको करंट पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, और दूसरा यह है कि अगर पोर्टफोलियो मैनेजर अपने बीटा को 1.7 तक इंक्रीज करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। अगर वो ये डिसाइड कर रहा है कि कुछ अमाउंट वो स्टॉक डी से निकालेगा और कहां इन्वेस्ट कर देगा, हाई रिस्क पर यानी बी में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, तो उसे क्या मिल जाएगा, अपना डिजायर्ड बीटा मिल जाएगा। लिख लीजिए यहां तक ही एग्जाम्पल। सबसे पहले करंट पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे, स्टॉक मार्केट वैल्यू जो डब्ल्यू है, बीटा एंड बीटा ए बी सी डी और ई, इनकी मार्केट वैल्यू क्या क्या दे रखी है। ए की मार्केट वैल्यू है 100 लैक्स, बी की मार्केट वैल्यू 300 लैक्स, 150, 200 और 80।
1.8 टू 1.3 1.75 और 0.80। आइए करंट पोर्टफोलियो बीटा निकालना है तो यहां आएगा 180 600 150 इंटू 1.3 दैट इज 195 200 इंटू 1.75 830 आपकी टोटल मार्केट वैल्यू हो गई। इधर निकालेंगे तो 180 600 प्लस 195 प्लस 350 प्लस 1389 बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू बीटा डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो 1389 डिवाइडेड बाय 830 1.6। ये लीजिए, ये हमारे पास अभी हमारा करंट पोर्टफोलियो बीटा आ रहा है 1.67। सिंपली हमने बस बीटा इंटू वेट कर दिया, देन उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। लेट अमाउंट शिफ्टेड फ्रॉम स्टॉक डी टू स्टॉक बी इज इक्वल टू एक्स। स्टॉक डी से स्टॉक बी में जो अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे वो आपका क्या होगा, एक्स है। रिवाइज्ड पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट वैल्यू और बीटा। ये 100 ही रहेगा। अब बी में एक अमाउंट आ गया तो 300 प्लस एक्स, सी वही 150 है, 200 माइनस एक्स और ई में 80। वन पॉइंट एट टू 1.3 1.75 W इंटू बीटा 180 600 प्लस 2x लीजिए तो ये हमारे पास रिवाइज्ड पोर्टफोलियो आ जाएगा। इधर जोड़ते हैं, देखिएगा 180 प्लस 600 प्लस 195 प्लस 350 प्लस 64 ये आ गया 1389।
माइनस 0.25x, 2 माइनस 1.75, तो ये आ जाएगा 0.25x। अब अगेन बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, 1.7 इज इक्वल टू 1385 माइनस 0.5। सिग्मा डब्ल्यू का टोटल बताइए कितना आ रहा है, 830। वन फोर डबल वन इज इक्वल टू 104 लैक्स हमारा आंसर आ गया। यानी अगर हम अपने स्टॉक डी से स्टॉक बी में एक्स अमाउंट की शिफ्टिंग कर रहे हैं तो हम अपना जो ऑब्जेक्ट है वो उसको अचीव कर पा रहे हैं। और ये जो पॉइंट आ रहा है कि भाई आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग से बीटा मैनेजमेंट करना है तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले करंट बीटा निकालिए और फिर ये देखिए कि आपको किस स्टॉक से किस स्टॉक में शिफ्टिंग करनी है, उस अमाउंट को एक्स मानते हुए पोर्टफोलियो बीटा की रिवाइज्ड इक्वेशन आप बना दो और एक्स की वैल्यू निकाल। क्लियर? बिल्कुल। मेथड टू, बीटा मैनेजमेंट थ्रू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री बोरोइंग्स। अगर हमें बीटा मैनेजमेंट रिस्क फ्री असेट्स यानी इन्वेस्टमेंट से और रिस्क फ्री बोरोइंग्स के थ्रू करना है, देखिएगा अगर हमें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर रिस्क फ्री बोरोइंग्स के थ्रू बीटा मैनेजमेंट करना है तो इसमें भी हमारे पास दो सिचुएशन क्वेश्चन में हो सकती है। या तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल अमाउंट ब्रिंग इन फॉर बीटा मैनेजमेंट, ठीक है? या तो हम एडिशनल अमाउंट के द्वारा बीटा मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर थ्रू
एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो थ्रू एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। अब जरा इन बातों को एक बार समझते हैं। देखिएगा, पहले मैं जरा यहां पे बात करता हूं। इफ इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू रिड्यूस रिस्क थ्रू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर एक इन्वेस्टर अपनी रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है तो वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, थ्रू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, ठीक है। यानी अगर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो अपनी पोर्टफोलियो रिस्क को या अपने बीटा को कम कर ले, और उसको कम करने के लिए वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अलावा कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रिस्क फ्री में, या फिर इसी में लिखेंगे अगला पॉइंट बनाकर, इफ इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू इंक्रीज रिस्क थ्रू बोरोइंग एट RF, या फिर दूसरा तरीका या दूसरी वैरायटी में हम क्या बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो रिस्क को बढ़ाना चाहता है, और रिस्क को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, RF पर बोरोइंग करेगा, इंक्रीज द रिस्क थ्रू बोरोइंग एट RF, ठीक है। वो एक नया अमाउंट लोन का क्रिएट करेगा, बोरोइंग लेगा और उससे अपनी रिस्क को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करूं तो क्या केस बनता है, इफ इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू रिड्यूस रिस्क ऑफ हिज पोर्टफोलियो देन ही मस्ट विथड्रॉ अमाउंट फ्रॉम रिस्की असेट्स एंड इन्वेस्ट सच अमाउंट इन रिस्क फ्री असेट। यानी अगर इन्वेस्टर अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की रिस्क को कम करना चाहता है तो वो क्या करेगा,
अपनी रिस्क या एडिशनल अमाउंट नहीं, वापस से सुन लेना मेरी बात को, वो एडिशनल अमाउंट के द्वारा नहीं कर रहा है, वो अपने एग्जिस्टिंग जो रिस्की असेट है वहां से पैसा विड्रॉ करेगा, और वो जो पैसा उसने विड्रॉ किया है वो उसे रिस्क फ्री असेट में लगा देगा। और सेकंड केस, इफ इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हिज पोर्टफोलियो, देन इफ इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ हिज पोर्टफोलियो, देन ही मस्ट बोरो अमाउंट एट RF एंड इन्वेस्ट सच अमाउंट इन रिस्की असेट टू अचीव डिजायर्ड बीटा। डिजायर्ड बीटा। तो ये हमारे पास दो तरीके हो गए, दो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, और उसमें भी एक बार बीटा को इंक्रीज करना और एक बार बीटा को डिक्रीज करना। तो हमें इन सारी बातों पर डिटेल में अपने एग्जांपल्स के द्वारा क्या करना है, चर्चा करनी है कि किस तरह से एडिशनल अमाउंट्स के द्वारा आप बीटा मैनेजमेंट करोगे, या आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के कंपोजिशन के द्वारा आप क्या करोगे, उसके कंपोजिशन में चेंज करके अब आप क्या करने वाले हो, आप बीटा मैनेजमेंट करोगे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री बोरोइंग्स। हालांकि जो बेसिक रूल है वो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको रिस्क को कम करना है तो आपको RF में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर हमें रिस्क को बढ़ाना है तो हमें RF पर बोरो करके और क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्की असेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हम आसानी से अपने बीटा को क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। लिख लीजिए सारा पॉइंट। एग्जाम्पल देखिएगा क्या बोल रहा है ये, कंसीडर द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, फॉलोइंग पोर्टफोलियो, आपको एक पोर्टफोलियो को कंसीडर करने को बोला गया है। देखिएगा इसका डेटा क्या है आपके पास, स्टॉक, देन मार्केट वैल्यू और बीटा, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टफोलियो के रेस्पेक्ट में दी हुई है। स्टॉक है ए, बी, सी और डी। मार्केट वैल्यू 200 लाख, 300 लाख, 500 लाख और 100 लाख, यानी टोटल 1100 लाख का पोर्टफोलियो है। इनकी बीटा वैल्यू दे रखी है 2.50,
1.80, 1.60 और 0.40। कैलकुलेट मांगा क्या है देखिएगा। पॉइंट नंबर वन, कैलकुलेट करंट पोर्टफोलियो बीटा, करंट पोर्टफोलियो बीटा, एंड सेकेंड पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू रिड्यूस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू रिड्यूस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 1.50। हाउ मच अमाउंट ऑफ रिस्क फ्री असेट ब्रिंग इन। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है कि आपको एक तो करंट पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, और एक अगर पोर्टफोलियो मैनेजर अपने बीटा को 1.5 रिड्यूस करना चाहता है तो रिस्क फ्री असेट में ब्रिंग इन कितना होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन उसने आपसे मांगे हैं। आइएगा सबसे पहले हम निकालते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट करंट पोर्टफोलियो बीटा। सबसे पहले हम करंट पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करेंगे। स्टॉक मार्केट वैल्यू डिनोटेड बाय डब्ल्यू बीटा एंड देन डब्ल्यू इनटू बीटा, ए बी सी और डी। 200, 300, 500 और 100। बीटा आपको दे रखा है 2.50, 1.80, 1.60 और 0.40। नो डब्ल्यू इंटू बीटा निकालेंगे। चलिएगा तो 200 इंटू 2.5 दैट इज 500, 300 इंटू 1.8 दैट इज 540, 500 इंटू 1.6 दैट इज 800 और 100 इंटू 0.4 यानी 40। टोटल लगा दीजिए 40 प्लस 800 प्लस 540 प्लस 500 1880। Hence, beta of portfolio is equal to sigma w into beta divided by sigma w 1880 divided by 1100, 1880 divided by 1100 1.709 या 1.71। ये हमारा क्या आ गया एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा आएगा। सेकेंड पॉइंट
देखिएगा, इफ पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू रिड्यूस बीटा देन ही हैज टू इन्वेस्ट ही हैज टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन रिस्क फ्री असेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट रिस्क फ्री असेट में इन्वेस्ट करेंगे। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री असेट इज इक्वल टू एक्स। सो रिवाइज्ड पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट वैल्यू बीटा एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डब्ल्यू इंटू बीटा। आइए, स्टॉक ए बी सी डी एंड आर एफ, मार्केट वैल्यू है 200, मार्केट वैल्यू 300, मार्केट वैल्यू 500, 100 और एक्स। बीटा दे रखा है 2.50, 1.80, 1.60, 0.40 और 0। क्यों? क्योंकि आरएफ का बीटा क्या होगा, 0 रहेगा। ये आ गया 500, 540, 840 और 0, ये हो गया 1100 प्लस एक्स। और ये वही रहा 500 प्लस 540 प्लस 40 प्लस 800, यानी 1880। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइड सिग्मा डब्ल्यू। आपको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पहले से पता है कि 1.5 रखना है। 1880 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस एक्स, सॉल्व कर दीजिए, 1100 इंटू 1.5 1650 प्लस 1.50 एक्स इज इक्वल टू 1880। तो 1.5 एक्स इज इक्वल टू 200, तो एक्स इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाय 1.5, 230 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज 153 पॉइंट, ये लीजिए। यानी अगर हम अपने पोर्टफोलियो बीटा को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें एडिशनली 153.33 लाख रुपीस कहां इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, रिस्क फ्री असेट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है बिल्कुल? क्वेश्चन नंबर 31 सीएमए, एंड यही क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 32 फॉर सीए स्टूडेंट्स। चलिएगा, बिल्कुल ध्यान से हमको क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्या बोल रहा है, अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज द फॉलोइंग फोर स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो।
आपके पोर्टफोलियो में चार स्टॉक हैं, VSL, CSL, SML और APL, ठीक है। इनके नंबर ऑफ शेयर्स आपको दे रखे हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी है, और ये बी की जगह क्या है, ये बीटा वैल्यू है। कंप्यूट द फॉलोइंग, सबसे पहला क्वेश्चन इसने मांगा है पोर्टफोलियो बीटा निकालते हैं। आइएगा, पॉइंट नंबर वन, पोर्टफोलियो बीटा मुझे चाहिए। आइए, पोर्टफोलियो बीटा के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले स्टॉक या सिक्योरिटी, देन मुझे चाहिए मार्केट वैल्यू विच इज डिनोटेड बाय वेट बीटा एंड वेट इनटू बीटा। आइए, सिक्योरिटी है वीएसएल 10,000 × 50, फिर नेक्स्ट है सीएसएल 5,000 × 20, 5,000 × 20, एसएमएल आपके पास है 8,000 × 25, 8,000 × 25, और एपीएल आपके पास है 2,000 × 200। वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, 1,000 × 50, सॉरी 10,000 × 50, तो ये आ गई आपके पास वैल्यू 5 लाख, है ना। 5,000 × 20 तो वैल्यू आ जाएगी 1 लाख, 8,000 × 25 तो वैल्यू आ गई 2 लाख, और 2,000 × 200 तो वैल्यू आ गई 4 लाख। 5 और 1 6 और 2 8 और 4 12 लाख का टोटल पोर्टफोलियो है। नाउ बीटा वैल्यू दे रखी है इसकी 0.90, 1.00, 1.50 और 1.20। 5 लाख × 0.9, सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा 4,50,000, 1 लाख × 1 तो ये 1 लाख आ जाएगा, फिर 2 लाख × 1.5, 3 लाख, और 4 लाख × 1.2 यानी 84। ये आ गया 13,50,000। ये हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा आ गया। सो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, यानी 13,30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख। निकाल लीजिए, 13,30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, 1.11। ये हमारे पास क्या आ गया, पोर्टफोलियो बीटा आ गया 1.11 या 1.08। नाउ बोलिए, यहां तक का सभी ने निकाल लिया है तो आगे बढ़े, निकाल लीजिए। अब ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, इफ पोर्टफोलियो मैनेजर वांट्स टू रिड्यूस बीटा 0.8, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन। यानी इफ पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू रिड्यूस बीटा, देन
एडिशनल अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री असेट। देखिएगा क्वेश्चन क्लियरली सेज कि आपको अमाउंट ब्रिंग इन करना है, क्वेश्चन रिक्वायर एडिशनल अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड सो दैट पोर्टफोलियो मैनेजर कैन रिड्यूस बीटा 0.8। तो लीजिए लेट अमाउंट ब्रिंग इन एज रिस्क फ्री असेट इज इक्वल टू एक्स, एक्स अमाउंट हम ब्रिंग इन करेंगे। सो सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू विच इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू बीटा एंड डब्ल्यू इंटू बीटा वीएसएल। तो वीएसएल की मार्केट वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है 5 लाख। सीएसएल इसकी वैल्यू है 1 लाख। एसएमएल की वैल्यू है 2 लाख और एपीएल 4 लाख और आरएफ की वैल्यू एक्स। ये हो जाएगा आपके पास 12 लाख प्लस एक्स। बीटा है 0.90, 1.00, 1.50 और 0। वैल्यू निकालते हैं, ये 4,50,000 आ गया, ये 1 लाख आ जाएगा, 3 लाख, 4,80 और 0 टोटल लगाइए, टोटल वही आ जाएगा 13,30 है ना। 4,50 प्लस 1 प्लस 7,80, 13,30,000। नाउ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ये आपको 0.8 रखना है क्योंकि आपको टारगेट बीटा दिया हुआ है 0.8। डिवाइड 13,30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख प्लस एक्स। 12 लाख इंटू 0.8 9,60,000 प्लस 0.80 एक्स इज इक्वल टू 13,30। 0.80 एक्स इज इक्वल टू 3,70,000। तो देन एक्स इज इक्वल टू 370 डिवाइड बाय 0.8 462,500। यानी अगर पोर्टफोलियो मैनेजर को अपनी पोर्टफोलियो के बीटा को 0.8 पर लाना है तो उसे रिस्क फ्री असेट के रूप में 462,500 ब्रिंग इन करना पड़ेगा। तो लाइन लिख दीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजर शुड ब्रिंग इन, पोर्टफोलियो मैनेजर शुड ब्रिंग इन 462,500, शुड ब्रिंग इन 462,500 एज रिस्क फ्री असेट, एज रिस्क फ्री असेट।
आइएगा थर्ड पार्ट, लिखिएगा इफ पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू इंक्रीज बीटा टू 1.2, ही मस्ट बोरो मनी एट रिस्क फ्री। एंड ड्यू टू बोरोइंग एंड ड्यू टू बोरोइंग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट विल रिफ्लेक्ट एज नेगेटिव वैल्यू। हम उसे क्या डिनोट करेंगे? नेगेटिव वैल्यू के रूप में रिफ्लेक्ट करेंगे। लेट बोरोइंग एट RF इज इक्वल टू X। हमने जो अमाउंट बोरो किया है वो X अमाउंट बोरो किया है। सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू दैट इज W बीटा एंड W इंटू बीटा। सिक्योरिटी VSL है जिसकी मार्केट वैल्यू आपकी 5 लाख चल रही है। फिर CSL है जिसकी हमारे पास मार्केट वैल्यू 1 लाख है। फिर SML है जिसकी वैल्यू 2 लाख है। और फिर APL है 4 लाख। देन RF है हमारा X। ठीक है, तो RF का मतलब बोरोड हो गया तो नेगेटिव आ गया। अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। बीटा वैल्यू है 0.901, 1.5, 1.2 एंड 0। ये 4,50,000, 1 लाख, 3 लाख, 4,80 और 0। वेट का टोटल आ रहा है 12 लाख माइनस एक्स, और ये 13,30,000। सॉल्व कर दीजिए। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो 1.2 इज इक्वल टू 13,30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख माइनस एक्स। 1.2 इंटू 12 लाख ये आ गया 14,40,000 माइनस 1.20 एक्स इज इक्वल टू 13,30। माइनस का 1.20 एक्स इज इक्वल टू 1 लाख माइनस का 1,10,000। सो द एक्स इज इक्वल टू 1,10,000 डिवाइड बाय 1.20।
91667 ये लीजिए, यानी व्हाट डज इट मीन कि मुझे जो अमाउंट आरएफ पर बोरो करना पड़ेगा टू अचीव द टारगेट बीटा वो होना चाहिए 91667। अगर मैं इतना अमाउंट बोरो करता हूं, अगर मैं इतना अमाउंट बोरो करता हूं तो मुझे एग्जैक्टली मेरे पोर्टफोलियो बीटा को बढ़ाकर मैं 1.2 कर पाऊंगा। तो एक लाइन लिख दीजिए, हेंस पोर्टफोलियो मैनेजर मस्ट बोरो, हेंस पोर्टफोलियो मैनेजर मस्ट बोरो 91667, मस्ट बोरो 91667 एट आरएफ, मस्ट बोरो 91667 एट आरएफ टू इंक्रीज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, टू इंक्रीज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 1.2, इंक्रीज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 1.2। तो 1.2 पर लाने के इतने अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, आरएफ पर बोरो करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ जिसमें कि हमें एडिशनल अमाउंट ब्रिंग इन के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमने कोई अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में चेंज नहीं किया है। ये जो बीटा मैनेजमेंट हमने पढ़ा आरएफ के द्वारा, इसमें हमें एडिशनल अमाउंट के थ्रू क्या करना था, बीटा मैनेजमेंट करना था। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिएगा, हमारे पास जो रिस्क फ्री असेट्स के द्वारा बीटा मैनेजमेंट है उसमें अलग तरह के क्वेश्चन यानी सिचुएशन बी पर या केस बी पर बात करते हैं। केस बी, बीटा मैनेजमेंट थ्रू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, बीटा मैनेजमेंट थ्रू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट विदाउट ब्रिंग इन एडिशनल अमाउंट। देखिएगा, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है? हमें अपने बीटा को एक पोर्टफोलियो मैनेजर इफ पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू रिड्यूस बीटा, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर बीटा को रिड्यूस करना चाहता है डिस्पोज्ड ऑफ रिस्की असेट एज रिक्वायर्ड एंड अमाउंट मस्ट बी
इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री एसेट्स। बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे अगर पोर्टफोलियो मैनेजर अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बीटा को रिड्यूस करना चाहता है, तो मैं अपनी रिस्क की असेट को डिस्पोज्ड ऑफ करूंगा और अमाउंट आएगा, और वो जो अमाउंट उनको डिस्पोज्ड ऑफ करने के बाद आया उसे इन्वेस्ट कर दूंगा रिस्क फ्री असेट में, ताकि मुझे मेरा डिजायर्ड बीटा मिल जाए। सेकेंड, इफ पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू इंक्रीज बीटा, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर बीटा को क्या चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, इफ पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू इंक्रीज बीटा, बोरो रिक्वायर्ड अमाउंट एट आरएफ एंड इन्वेस्ट बोरोड अमाउंट, इन्वेस्ट बोरोड अमाउंट इन रिस्की असेट टू अचीव डिजायर्ड बीटा। तो लीजिए, अब हमारे पास ये दो सिचुएशन है जिनसे हमें बीटा मैनेजमेंट को क्या करना है, डील करना है। लिखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्टॉक दे रखा है, मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है और उनका बीटा दे रखा है, ठीक है। स्टॉक आपके पास है एम लिमिटेड 40 मिलियन, बीटा है 1.10, के लिमिटेड 60 मिलियन की मार्केट वैल्यू, बीटा है 1.2, बी लिमिटेड में 30 मिलियन और बीटा है 1.30, ठीक है। ये आपको तीन कंपनियों के स्टॉक दिए हुए हैं, इनकी मार्केट वैल्यू दी हुई है और इनका आपको एग्जिस्टिंग बीटा गिवन है, ठीक है। यहाँ पोर्टफोलियो मैनेजर वॉन्ट्स टू रिड्यूस
बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 0.80 सजेस्ट लीजिए। बहुत सिंपल सा एक पॉइंट ले रहे हैं, आपके पास तीन कंपनियों के स्टॉक दिए हुए हैं, ये उनकी मार्केट वैल्यू है और ये उनकी आपके पास बीटा वैल्यू है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर ये चाहता है कि आपका जो बीटा है वो 0.8 से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो आपको सजेस्ट करना है। देखिएगा, सॉल्यूशन सबसे पहले हम निकालेंगे करंट पोर्टफोलियो बीटा सिग्मा डब्ल्यू इंटू बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, ये हमारा करंट पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला है। आओ, स्टॉक मार्केट वैल्यू जो डब्ल्यू से डिनोटेड है, बीटा एंड डब्ल्यू इंटू बीटा, आइएगा स्टॉक है आपके पास एम लिमिटेड, के लिमिटेड और बी लिमिटेड, मार्केट वैल्यू है 40, 60 और 30, 40, 60 और 30, 1.1, 1.2 और 1.40 इंटू 1.1, 40 इंटू 1.1 तो ये आ जाएगा 44, 60 इंटू 1.2 ये आ जाएगा 72 और 30 इंटू 1.3 तो ये आ जाएगा 39। एक सौ 30 मिलियन हो गया, ये कितना आ जाएगा, 39 प्लस 72 प्लस 44 यानी 155। सो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 155 डिवाइडेड बाय 130। ये हमारा पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा आपको दे रखा है। परसेंटेज रिडक्शन रिक्वायर्ड -0.80 डिवाइड बाय 1.19 इंटू 100, 1.19 -0.8 डिवाइड बाय 1.19, 32.77%। समझिएगा, हमारा जो एग्जिस्टिंग बीटा है वो 1.19 है और डिजायर्ड बीटा है 0.8। इसका मतलब हमारे को अपनी रिस्क में 32.77% का रिडक्शन चाहिए। क्लियर, बिल्कुल, हमें कितना परसेंट रिडक्शन चाहिए, 32.77%। चलिएगा, तो अब इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर शुड सेल 32.77%
ऑफ अबव पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट सेल प्रोसीड्स एंड इन्वेस्ट सेल प्रोसीड्स टू रिस्क फ्री असेट्स। लीजिए अब हम अपने इस पोर्टफोलियो में इतना अमाउंट सेल आउट करेंगे और हम क्या करेंगे उसको रिस्क फ्री असेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। लीजिए हेंस सेल प्रोसीड्स सबसे पहले है एम लिमिटेड, ठीक है। एम लिमिटेड का हमारे पास है 40 मिलियन का 32.77%, तो बताइए कितना डिस्पोज्ड हो जाएगा 13.11 मिलियन। आइए उसके बाद है के लिमिटेड 60 मिलियन का 32.77%, 60 × 32.77% 19.66 मिलियन हम इसमें से डिस्पोज ऑफ करेंगे। और बी लिमिटेड कितना है 30 मिलियन × 32.77% 30 × 32.77% 9.83। थर्टीन पॉइंट वन वन प्लस 19.66 प्लस 9.83 42.6 मिलियन, यानी हमें जो रिस्क फ्री असेट में इन्वेस्टमेंट करना है वो इतना करना है। Hence, revised portfolio ये वापस देख लीजिए, हमारे पास हर कंपनी में जितना जितना स्टॉक था उसका 32.77% हम बेच देंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, और ये जो पैसा आएगा इस पैसे को रिस्क फ्री में इन्वेस्ट कर दो। तो रिवाइज्ड पोर्टफोलियो एम लिमिटेड का 40 माइनस 13.11 40 माइनस 13.11 26.89 के लिमिटेड का 60 मिलियन माइनस 19.66 40.34, बी लिमिटेड का 30 माइनस 9.83 माइनस 9.83 दैट इज 20.17, और रिस्क फ्री असेट्स ये हमारे पास आ गई 42.6। ये हमारा W हो गया बीटा 1.10
1.20, 1.30 और 0.0। इससे हम W इंटू बीटा निकाल लेंगे, 0.89 इंटू 1.1 दैट इज 29.58, 29.58, 1.2 इंटू 40.34, 48.41, 1.3 इंटू 20.17, 26.22 एंड 0। तो ये तो वही आ जाएगा आपका 130 जितना पहले था। 29.58 प्लस 48.41 प्लस 26.22, 104.21। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा 104.21 डिवाइडेड बाय 130, दैट इज 0.80। तो ये लीजिए, ये हमारे पास हमारा पोर्टफोलियो बीटा आ गया। हमने क्या किया, सिक्योरिटीज को डिस्पोज्ड ऑफ किया, और डिस्पोज्ड ऑफ करने के बाद हमने वो जो सेल प्रोसीड्स आई, उस सेल प्रोसीड्स को हमने आरएफ में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे हमारे पास हमारा क्या आ गया, डिजायर्ड पोर्टफोलियो बीटा आ गया। बोलिएगा क्लियर है बिल्कुल यहां तक का पॉइंट? एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट वैल्यू और बीटा। स्टॉक वही एम लिमिटेड का 40 मिलियन, बीटा है 1.10, के लिमिटेड का 60 मिलियन, बीटा है 1.20, और बी लिमिटेड का 30 मिलियन, बीटा है 1.30। इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू इंक्रीज इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू इंक्रीज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू इंक्रीज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 1.50। सजेस्ट, अब आपको सजेस्ट करना है कि बीटा को इंक्रीज कैसे करना है। आइए, करंट पोर्टफोलियो बीटा कितना आ रहा था आपका? करंट पोर्टफोलियो बीटा था 1.19। और डिजायर्ड पोर्टफोलियो बीटा आपका है 1.50। परसेंटेज रिक्वायर्ड इंक्रीज इन रिस्क, अगर आपको रिस्क बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है,
1.50 माइनस 1.19 डिवाइड बाय 1.19 इनटू 100. 1.5 माइनस 1.19 डिवाइडेड बाय 1.19 26.05%, यानी हमें इतनी रिस्क बढ़ानी है. तो दैट मींस इन्वेस्टर मस्ट बोरो 26.05% of his existing portfolio and invest such amount and invest such amount into risky assets. और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, उस पैसे को risky asset में invest करना है. So so borrowed amount is equal to 130 million ka 26.05%, 130 into 26.05%, 33.865. इतना अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा. एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन रिस्की असेट इन रिस्की असेट. अब हमने जो फंड बोरो किया है वो बोरो फंड हम कहां इन्वेस्ट करेंगे, रिस्की असेट में इन्वेस्ट करेंगे. तो मुझे जितने से रिस्क बढ़ानी है, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे जितने से रिस्क बढ़ानी है मैं हर सिक्योरिटी में उतना पैसा का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा. तो देखिएगा, सबसे पहले बात करता हूं एम लिमिटेड पर. 40 मिलियन इनटू 26.05%, तो 42 मिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. के लिमिटेड 60 मिलियन इनटू 26.05%, 60 इनटू 26.05%, यानी 15.63 मिलियन. B लिमिटेड 30 मिलियन इंटू 26.05%, 30 इंटू 26.05, 7.815. ठीक है, ये आपके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ जाएगा. हेंस रिवाइज्ड पोर्टफोलियो आइए सबसे पहले स्टॉक
मार्केट वैल्यू विच इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू बीटा देन डब्ल्यू इंटू बीटा एम लिमिटेड। देखिएगा एम लिमिटेड में 40 तो पहले से था प्लस 10.42 और आ गया तो 50.42 का नया इन्वेस्टमेंट हो गया। के लिमिटेड 60 पहले से था और 15.63 और आ गया तो 75.63 हो गया। थर्टी प्लस 7.815 और आरएफ पर आ गया माइनस का 33.865। बीटा है 1.1, 1.2, 1.3 और 0। टोटल अभी भी ये रहा 130 मिलियन। इधर निकालिएगा 50.42 इंटू 1.1 55.46 75.63 इंटू 1.2 तो 90.76 37.815 इंटू 1.3 तो 49.16 एंड 0 55.46 प्लस 90.76 प्लस 49.16 तो आ जाएगा 195.38। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 195.38 डिवाइडेड बाय 130 तो 1.50। ये लीजिए आपका डिजायर्ड बीटा आ गया। तो यानी इस तरह से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करके और क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड बीटा को कंप्यूट कर सकते हैं। अगर रिस्क को बढ़ानी है तो रिस्क फ्री से बोरो करिए और रिस्की एसेट में लगाइए इन द प्रपोर्शन जितना आपको रिस्क को बढ़ाना है। और अगर आपको बीटा को कम करना है तो डिस्पोज्ड ऑफ करिए रिस्की एसेट में से और जितना डिस्पोज्ड ऑफ करके मनी आई है उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए किसमें, रिस्क फ्री एसेट में। क्लियर है बिल्कुल।